गुड फ्रेंड्स, तो आज क्या है मजदूर दिवस? क्या है आज मजदूर दिवस? आज 1 मई है, 1 मई को हम मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है? तो ओके, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे थे, तो हमारे 4 डिस्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आज हम अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, ठीक है? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट? अलवर। अलवर ज़िले के बारे में हम बात करेंगे आज, कि अलवर ज़िला क्यों फेमस है, वहाँ पर क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो वही, सबसे पहले हमारा देश कौन सा है? भारत। राज्य कौन सा है? राजस्थान। जिला कौन सा है? अलवर, ठीक है? अब सबसे पहले बात करेंगे कि अलवर के कलेक्टर कौन है, जो प्रेजेंट टाइम में जो कलेक्टर है वो कौन है अलवर का? कौन है? इंद्रजीत सिंह। कौन है? इंद्रजीत सिंह। फिर है अलवर ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल कितना है? 8380 किलोमीटर है, ठीक है? फिर है यहाँ पर उपविभाग का क्या नाम है, मतलब कितनी तहसील है यहाँ पर, टोटल कितनी तहसीलें हैं? 16। कितनी तहसील है टोटल? 16, ठीक है? पहले 12 थी, अब 16 हो गई है। यहाँ की मुख्य भाषाएं कैसी है? हिंदी व राजस्थानी, ठीक है? कैसी है? हिंदी व राजस्थानी। हम अलवर के बारे में दोबारा से बात कर रहे हैं कि अलवर का उपनाम क्या है। तो अलवर का उपनाम है राजस्थान का सिंह द्वार। क्या कहा जाता है इसको? राजस्थान का सिंह द्वार। इसको पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, राजस्थान का सिंह द्वार, पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, ठीक है? और ठीक है, और राजस्थान का स्कॉटलैंड। और क्या कहा जाता है? राजस्थान का स्कॉटलैंड, ठीक है? फिर है मत्स्य नगर। और क्या नाम है इसका उपनाम? मत्स्य नगर। और एक है अलोर, ठीक है? अलोर। तो इसके उपनाम कौन कौन से हो गए? पूर्वी राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का सिंह द्वार, राजस्थान का स्कॉटलैंड व अलोर, अलोर और मत्स्य नगर, ये सारे इसके उपनाम हो गए। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? 1770 में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। कब? किसने की थी? 1770 में महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। फिर सर्वाधिक पंचायत समितियाँ, सबसे ज़्यादा पंचायत समितियाँ कहाँ पर हैं अलवर ज़िले में? कितनी है टोटल? 14 पंचायत समितियाँ। कितनी है? 14। सबसे ज़्यादा अलवर पंचायत समितियाँ अलवर में हैं। कितनी है? 14, ठीक है? इसके बाद है अलादीन आलम शाह का मकबरा। क्या है यहाँ पर? अलादीन आलम शाह का मकबरा भी कहाँ पे? अलवर में। राजस्थान ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1830 ईस्वी में अलवर में ही, मतलब अलवर से स्टार्ट करी थी। तो राजस्थान ने सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक 1830 ईस्वी में अलवर से ही स्टार्ट करी थी। फिर सबसे ज़्यादा बाजरा व तंबाकू कहाँ पे होता है? अलवर ज़िले में। सर्वाधिक बाजरा व तंबाकू अलवर ज़िले में है। फिर सर्वाधिक भैंस कहाँ पे? अलवर में। सबसे ज़्यादा भैंस कहाँ पे? अलवर में। फिर राज्य की पहली प्याज मंडी, ये कहाँ पे? अलवर में। पहली प्याज मंडी कहाँ पे? अलवर में। फिर भारत का प्रथम जल विश्वविद्यालय, प्रथम जल विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अलवर में, ठीक है? फिर नेक्स्ट है अलवर के तिजारा के जैन मंदिर। अलवर के तिजारा के जैन मंदिर बहुत सर्कस देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। तिजारा के जैन मंदिर के जो बहुत सर्कस देश भर में बहुत प्रसिद्ध है। फिर है काकनबाड़ी व कासना का पठार। काकनबाड़ी व कासना का पठार कहाँ पे? अलवर में। काकनबाड़ी व कासना का पठार भी कहाँ पे? अलवर में। नेक्स्ट है अलवर की जो राजगढ़ तहसील है, अलवर की जो राजगढ़ तहसील है में अजबगढ़ व भानगढ़ के जो खंडर स्थित है, वह माना जाता है कि इस स्थान पर भूतों का निवास स्थान है। कहाँ पे? अजबगढ़ व भानगढ़ की जो खंडर स्थित है वहाँ पर, उस राजगढ़ तहसील में, वहाँ पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ भूतों का निवास है, ठीक है? इसके बाद है ई एस आई मेडिकल कॉलेज अलवर में ही है। ESI मेडिकल कॉलेज कहाँ पे? अलवर में। फिर राजस्थान का प्रथम मेडिकल कॉलेज है ESI मेडिकल कॉलेज, ठीक है? नेक्स्ट है रिको के द्वारा एग्रो फूड पार्क का निर्माण कहाँ पे किया गया था? अलवर में। ओके, तो नेक्स्ट है मेव जाति का पहला आंदोलन कहाँ पे हुआ था? अलवर में, ठीक है? मेव जाति का पहला आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ? अलवर में। इसके बाद है फ्रेंड्स सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे? अलवर में है, ठीक है? ये कैसा है यहाँ पर? यह है एक टाइगर प्रोजेक्ट है। सरिस्का अभ्यारण क्या है? एक टाइगर प्रोजेक्ट है।
ठीक है, और यहाँ पे बाघों की मां भी कहलाता है ये, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य की 1955 में, कब हुई थी, 1955 में। इसके बाद है यहाँ पर जो सरिस्का वन्य अभयारण्य, यहाँ पर हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, हरे कबूतरों के लिए, हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है ये। और महाभारत काल में पांडवों की शरण स्थली भी था ये सरिस्का वन्य अभयारण्य, महाभारत काल में पांडवों की मतलब शरण स्थली है। इसके बाद है सरिस्का अभयारण्य में काकनबाड़ी का किला है, किसका है, काकनबाड़ी का किला भी कहाँ पे है, सरिस्का अभयारण्य में, ओके। इसके बाद है सिलीसैड झील, सिलीसैड झील, सिलीसैड झील कहाँ पे, अलवर में, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ताल वृक्ष, ताल वृक्ष झील, ये भी कहाँ पे है, ताल वृक्ष झील अलवर में। यहाँ पर ताल वृक्ष झील में गंगा माता का प्राचीन मंदिर है, किसका, गंगा माता का प्राचीन मंदिर है। मंदिर के नीचे दो पानी के कुंड है, एक कुंड में हमेशा ठंडा और एक कुंड में हमेशा गर्म पानी रहता है, ठीक है। गंगा माता का मंदिर है और उसके नीचे एक कुंड बने हुए हैं दो, एक कुंड में तो हमेशा ठंडा पानी रहता है और एक में हमेशा गर्म पानी रहता है, ओके। इसके बाद है नेक्स्ट भर्तृहरि का मेला, भर्तृहरि का मेला कहाँ पे लगता है, अलवर में लगता है, ठीक है। भर्तृहरि का मेला कहाँ पे लगता है, अलवर में लगता है। फिर है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर भी कहाँ पे, अलवर में, पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर कहाँ पे, अलवर में। फिर है नारायणी माता का मंदिर, नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ जो तहसील है, तहसील में बरवा पहाड़ी पर स्थित है। नारायणी माता का मंदिर कौन सी पहाड़ी पर है, बरवा पहाड़ी पर, कहाँ पे, राजगढ़ तहसील में, ठीक है। नारायणी माता नाइयों की कुल देवी है, किसकी है, नाइयों की कुल देवी है। इसके बाद है मूसी महारानी की छत्री, कौन सी, मूसी महारानी की छत्री कहाँ पे, अलवर में। इसका निर्माण राजा बख्तावर सिंह ने करवाया था, किसने, राजा बख्तावर सिंह ने करवाया था। ये 80 खंभों पर टिकी हुई है, तो 80 खंभों की छतरी कहाँ पे हो गई, अलवर में, ठीक है। फिर है बावन ग्रह का किला कहाँ पे, अलवर में स्थित है। इस दुर्ग को बाला दुर्ग या अलवर दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बावनगढ़ का किला कहाँ पे है, अलवर में है बावनगढ़ का किला, और इस दुर्ग का नाम क्या है, बाला दुर्ग व अलवर दुर्ग भी कहा जाता है, ठीक है। फिर है जय संबंध बांध कहाँ है, अलवर में स्थित है जय संबंध बांध। फिर है जगतनाथ जी का मेला कहाँ लगता है, अलवर में लगता है, ठीक है। फिर है धौलागढ़ देवी का मेला भी कहाँ लगता है, अलवर में। धौलागढ़ देवी का मेला, जगन्नाथ जी का मेला, दोनों कहाँ लगते हैं, अलवर में। फिर है सुअरों के द्वारा फसल को नष्ट करने पर अलवर में अलवर किसान आंदोलन हुआ था, ठीक है। जो सुअर होते हैं वो फसल को नष्ट कर देते थे, इनकी वजह से अलवर में अलवर किसान आंदोलन हुआ, ठीक है। फिर है नीमू चना कहाँ पे है, नीमू चना जगह कहाँ पे, अलवर में। तो नीमू चना अलवर में है, 14 मई 1925 को अलवर के नीमू चना नामक स्थान पर लगान के विरोध में एक सभा आयोजित की, किसके विरोध में, लगान के, जिसमें अंग्रेजों ने गोलीबारी की व सैकड़ों लोग मारे गए। तो महात्मा गांधी ने दित्ते जलियावाला बाग हत्याकांड कहा था इसको, जो ये हुआ हत्याकांड, इसको क्या नाम दिया था, महात्मा गांधी ने दित्ते जलियावाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी थी, ठीक है। कहाँ पे हुआ ये, नीमू चना अलवर में। फिर अलवर के मुंडियावास खेरा नामक गांव में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में तांबे के भंडार खोजे गए हैं, ठीक है। मुंडियावास खेरा नामक गांव में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में तांबे के तार खोजे गए हैं, ठीक है। कहाँ पे, अलवर में। फिर नीम राणा की बावड़ी अलवर में है, यह नोमणिया बावड़ी, ठीक है। तो नीम राणा की बावड़ी कहाँ पे, अलवर में, सॉरी मैंने गलत बोला, ये नौ मंजिल की बावड़ी है, कैसी है, नौ मंजिल में बनी हुई बावड़ी है, नौ मंजिलों में, ठीक है। तो ये अलवर। फिर और है
फिर है मत्स्य संघ। तो मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली से मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया। और मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को। ठीक है, किसको बनाया? अलवर को। फिर लाल दास जी, लाल दास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मेवात प्रदेश में, धोली धूप गांव है वहाँ के हैं लाल दास जी। कहाँ के हैं? धोली धूप गांव अलवर में है, वहाँ के लाल दास जी है। और इनका देहांत कहाँ पे हुआ था? नंगला भरतपुर में हुआ था। ठीक है, फिर राज्य का नंदन कानन, राज्य का नंदन कानन कहाँ पे है? सिलीसेड। किसको कहा जाता है? सिलीसेड को। ठीक है, फिर राज्य का तीसरा निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया? नीमराणा में। नीमराणा कहाँ पे? अलवर में। ठीक है, फिर राजस्थान का तीसरा कंटेनर डिपो भिवाड़ी। ठीक है, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां स्थापित कहाँ पे की गई है? भिवाड़ी में। और नोटों की जो शाय वगैरह बनाने का उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया है? भिवाड़ी के अंदर। फिर राज्य का प्रथम एकीकृत औद्योगिक पार्क टप्पूकड़ा कहाँ पे है? टप्पूकड़ा कहाँ, किस लिए फेमस है? टप्पूकड़ा राज्य का प्रथम औद्योगिक पार्क। और राष्ट्रीय स्तर पर पहला खेल गांव जेरोली, जेरोली राष्ट्रीय स्तर का पहला खेल गांव कौन सा है? जेरोली, अलवर में है। ठीक है, और जैन धर्म का चंद्र प्रभु जी का मंदिर कहाँ पे? तिजारा। कहाँ पे? तिजारा। और अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा, ये तो आपको मैंने बता ही दिया कहाँ पे, अलवर में है। तो ये अलवर ज़िले से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग अलग ज़िले के बारे में बात करेंगे हम। थैंक यू सो मच।